हाँ मैं नहीं आऊँगा। अरे बोला ना मैं नहीं आऊँगा। 100 बातों की 1 बात मैं नहीं आऊँगा। 100 बातों की 1 बात, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलना होता है। ज़्यादातर इसको सेंटेंस से जस्ट पहले बोलते हैं, जैसे कि 100 बातों की 1 बात मैं नहीं आऊँगा। 100 बातों की 1 बात मैंने उससे साफ साफ बोल दिया। 100 बातों की 1 बात मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब सवाल यह है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो 100 बातों की 1 बात, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, और वो फ्रेज़ है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, Long story short, I'm Lucifer and Chloe's daughter from the future. Long story short, I made us these hats. Long story short, I've been dealing with some personal crap. Long story short, I killed. चलिए कुछ एग्जांपल्स से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। 100 बातों की 1 बात मैं नहीं आऊंगा। Long story short, I will not come. 100 बातों की 1 बात मैंने है। Long story short, I have told him clearly. 100 बातों की 1 बात मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट लव यू। 100 बातों की 1 बात मैं उसे नहीं जानता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट नो हिम। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। 100 बातों की 1 बात ये मेरा नहीं है। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।